तो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड और सक्सेसफुल ट्रांसफर्स के किस्से सुनने में उतने ही अजीब लगते हैं जितना अगर कोई इंसान आपको ये बोले कि मोहक ने नेगेटिव कमेंट्स को बॉडी नहीं किया है लाइव स्ट्रीम के ऊपर क्योंकि यूनाइटेड के जो सक्सेसफुल ट्रांसफर्स होते हैं वो या तो बहुत लेट होते हैं या फिर वो होते ही नहीं है बट बिफोर मूविंग इन टू दिस वीडियो लेट मी डेल यू वन थिंग दैट दिस वीडियो वन फुटबॉल एप्लीकेशन Now, OneFootball application is the perfect footballing app because it keeps you up to date with every transfer news, with every team news, with the live match commentary, with live streaming as well. That has been the latest feature that has been added by OneFootball into their app. Also, you can keep a tab on the statistics, you can keep a tab on the player profile, you can keep a tab on the latest updates regarding your club, regarding your favorite player. And also, you if you're scouting a player, you can just search the name of a player. Player, read all the details regarding that player and you will be amazed that how pinpoint and accurate details you'll be getting on one football app so if you're looking for an app an absolute free you know then one football has to be your go to destination the link is given in description so click on the link and download the app for free अब यहां पर हम सबको पता है कि फ्रेंकी डियोंग की सिचुएशन में बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है रीसेंट स्टेटमेंट्स की वजह से जो लपोड़ता ने दिए हैं हम सबको पता है कल भी लपोरता ने क्रिस्टनसन और जब फ्रेंकी आ, फ्रेंक एसी की डील की बात चल रही थी उसमें जब फ्रेंकी डियंग के बारे में पूछा गया तब लपोड़ता ने बोला कि वी हैव नो इंटेंशन ऑफ सेलिंग फ्रेंकी डियोंग बट इफ वी हैव टू सेल तो हम अपने मन मुताबिक जो हमने प्राइस सेट किया है उनका हम उस पर बेचेंगे अब यहां पर जो बातें बोली जा रही हैं और जो एक्चुअल में बातें हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है कल रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं सभी जितने भी टॉप टीय जर्नलिस्ट हैं उन सभी ने ये चीज रिपोर्ट की है कि बार्सिलोना जब पेंडेमिक के टाइम पर सिचुएशन फेस कर रही थी क्राइसिस वाली तो उस टाइम पर फ्रेंकी डियोंग ने वेज कट लिए थे अब वो वेज कट उनसे बोला गया था कि उनको अगले सीजन में आते आते उसके अगले सीजन में वो पे ऑफ हो जाएंगे लेकिन अभी तक उतना अमाउंट मिलियन 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 का मिलियन का मिलियन का मैं कह रहा अभी तक पे नहीं किया गया है और ये भी एक कॉम्प्लिकेशन फ्रेंकी टू स्टे बार्सिलोना वो बहुत बार बोल चुके हैं पब्लिकली बट बार्सेलोना जो बोल रहे हैं जैसे उनके प्रेसिडेंट लपोर्था पब्लिक में आकर देखो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी पड़ेगी मतलब मुझे आपको और बार्सलोना फैंस को वो ये है कि लपोर्ता इज अ प्रेसिडेंट लपोरता इज अ पॉलिटिशियन तो उनको पता है कि अगर वो डायरेक्टली जाकर फैन बेस के सामने बोल देंगे कि नहीं भाई हमें तो फ्रेंकी डियोंग को बेचना है तो फिर वहां चीजें थोड़ी गड़बड़ हो जाएंगी क्यों क्योंकि आपने लास्ट सीजन मेसी के टाइम भी यही बोला था कि वी डोंट वांट टू तो सेल मेसी वी विल ट्राई एनीथिंग इन आर पावर टू कीप मेसी एट बार्सिलोना बट मेसी को जाना पड़ा क्योंकि आपका जो वेज स्ट्रक्चर था वो उतना आपको फीजिबल स्पेस नहीं दे रहा था जिसमें आप अगर हैं तो क्योंकि इटली में नहीं रुकना चाहते अगर वो नेपली छोड़ेंगे एंड ही वॉन्ट्स टू इधर कम टू बार्सिलोना और टू चेल्सी तो यहाँ पर उनका वेज भी आपको पे करना पड़ेगा और आपने लेंगले वगैरह को अगर बेचा भी है तो आपने कुछ मेजर चंक ऑफ वेज हल्का नहीं किया है क्योंकि आप जितना कम कर रहे हो उतना ही लेकर भी आ रहे हो तो तो जस की तस रही बात तो यहां पर डियोंग को बेचना है अभी भी डील में कोई चेंज नहीं हुआ है बार्सिलोना वांट्स टू तो सेल यूनाइटेड वांट टू तो बाय और यहाँ पर बस एक चीज जो दिक्कत वाली है वो पिछले पंद्रह दिन से वही है कि यूनाइटेड और बार्सलोना एडोन्स के चक्कर में अड़े हुए हैं और यहां पर मैं गलती यूनाइटेड की मानता हूं कि आप अपना एक ट्रांसफर के चक्कर में पूरा जो ट्रांसफर स्ट्रक्चर है जो पूरी ट्रांसफर विंडो है उसको स्पॉइल कर रहे हो आपको क्योंकि ये डील जल्द से जल्द सील करके आगे बढ़ना चाहिए था और आप अभी तक अपने तीन से चार प्लेयर और साइन कर चुके होते अब जिसमें आपके दो बड़े प्लेयर होते और आप दो यूटिलिटी प्लेयर्स को साइन करते लेकिन फ्रेंकी डियोंग की डील एक तरीके से गले में मछली के कांटे की तरह फंसी हुई है और हम निकल भी नहीं सकते हम उगल भी नहीं सकते क्योंकि हमें चाहिए वो अपनी टीम में क्योंकि देर आर नॉट मेनी प्लेयर्स ऑफ फ्रेंकी डेबर जो प्राइस टैग है उनका भाई आई थिंक इट्स एन टू बी वेरी ऑनेस्ट और यूनाइटेड फैंस को मैं यही बोलना चाहूंगा रेदर देन ब्लेमिंग बार्सिलोनाज बोर्ड एक बार हमारी सिचुएशन कंसिडर करके देखो कि हम क्यों इतने ज्यादा अड़ियल बने हुए हैं वाई वी कांट पे दो एक्स्ट्रा फाइव मिलियन और ठीक है जो बीस मिलियन का एड ऑन क्लॉज है उसमें आप जो भी एड ऑन लगा रहे हो ठीक है ना

अब यूनाइटेड की बात चल रही है तो रोनाल्डो की बात कैसे नहीं चलेगी हम सबको पता है भाई रोनाल्डो इज लुकिंग फॉर अ न्यू चैलेंज लुकिंग फॉर अ न्यू क्लब लेकिन जो उनके अनप्रोफेशनल बिहेवियर पे सवाली निशान खड़े हो रहे हैं कल देखो यार रियो की मैंने मैंने लाइव स्ट्रीम में भी बोला था मैंने उनकी कल वो पॉडकास्ट देखी 20 मिनट का वो एपिसोड है उनका आप भी जाके देखिएगा वाइव विद फाइव पे है उनका जो चैनल है ऑफिशियल तो ये उनके जो स्टेटमेंट थे भाई मैं उससे पूरी तरीके से सहमत हूं कि आप मीडिया रिपोर्ट्स के बेसिस पर रोनाल्डो को अनप्रोफेशनल घोषित कर रहे हो ये कर रहे हो वो कर रहे हो देयर वॉज समथिंग सीरियस इन एस फैमिली एंड दैट्स वाई ही यू नो फ्ल्यू बैक टू लिस्बन मतलब पॉर्चुगल बेसिकली और उसके बाद आप अभी जितने भी न्यूज रिपोर्ट पढ़ रहे हो उसमें सब में यही आपने पढ़ा है कि रोनाल्डो वांट्स टू मूव आउट रोनाल्डो वांट्स टू मूव आउट बट उसने ये नहीं बोला कि ही डजेंट वांट टू प्ले फॉर द क्लब एनी मोर ठीक है ना अब यहाँ पर कल मायन म्यूनिक के डायरेक्टर का स्टेटमेंट आया ओलिवर खान का द ग्रेट ओलिवर खान लेजेंडरी गोलकीपर उन्होंने बोला आई रिस्पेक्ट क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड आई ह्यूज यू नो आई हाईली एडमायर हिम बिकॉज ही इज वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर बट वी डोंट वांट अ प्लेयर लाइक क्रिस्टियानो एट आर क्लब जो कि हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से अभी हमें जरूरत नहीं लग रही है तो बेसिकली जो एक सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन डेस्टिनेशन हो सकती थी वो बंद होती दिख रही है मुझे बाइन मिनिक के यू नो साइड से पीएसजी आर नॉट इंटरेस्टेड बची चेल्सी नेपली और स्पोर्टिंग चेल्सी वाले अभी यही सोच रहे होंगे कि चेल्सी साइन कर लेगी रोनाडो को अब बात यहाँ पूरी आ जाती है रोनाल्डो के ऊपर के रोनाल्डो क्या वाकई में यूनाइटेड को डिच करके चेल्सी में जाएंगे या फिर वो अपने कंट्री वापस लौटेंगे यू यूनो और खेलेंगे जाके अपने बॉयहुड क्लब के लिए स्पोर्टिंग के लिए सिचुएशन अभी अभी इतनी भी चेंज नहीं हुई है भाई और बहुत सारे लोग अभी ये कहेंगे कि रोनाल्डो को कोई चाहता नहीं है रोनाल्डो को कोई लेना नहीं चाहता तो प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाहती है तो रोनाल्डो की साइनिंग थोड़ी सी एक कंजर्वेटिव फेज में आपको भेजती है ठीक है ना जहां पर आप थोड़ा एग्रेसिव वे में जाकर नहीं डील कर सकते और प्लेयर्स के साथ क्योंकि आपको अपना ये सिनेरियो भी देखना पड़ेगा कि रोनाल्डो आपको कितने सीजन दे पाएगा मैक्सिमम दो सीजन तो उसके हिसाब से आपको अपना प्रोजेक्ट प्लान आउट करना पड़ेगा और फिर जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है अब क्या थॉमस टूकल एक सीजन या दो सीजन के लिए रोनाल्डो पे गैम्बल खेलेंगे वो देखने वाली बात होगी देखो रोनाल्डो को, को कोई मतलब चेल्सी में अगर मैं अभी करंट सीनेरियो की बात करूं तो टॉट बोली तो बिल्कुल कोशिश करेंगे रोनाल्डो को लाने की फैन बेस पागल हो जाएगा भाई रोनाल्डो उनके क्लब के लिए खेलेगा लेकिन यहाँ बात आती है मैनेजर की मैनेजर के प्रोजेक्ट की और प्लेयर क्या वाकई में आना चाहता, है। प्लेयर अगर चेल्सी आना चाहता है तो फिर तो आई कोई रोक सकता है आज भी वही बोल रहा हूँ कि रोनाल्डो टू चेल्सी इन माई पॉइंट ऑफ व्यू विल नॉट हैपन एंड कमिंग टू द लिसनेस डील तो भाई लिसाद्रो मार्थिनेस की डील में लेटेस्ट अपडेट यह है कि लिसनेस इज पुशिंग यू नो

क्लब्स के आगे झुक नहीं रहे हैं हम क्लब्स के आगे, you know, हाथ खड़े नहीं कर रहे हैं लेकिन जो आपको इम्पोर्टेंट साइनिंग करनी है आप मिलियन के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो आप कम टाइम दे रहे हो मैनेजर को यू you नो know, उस प्लेयर पे वर्क करने के लिए और उस प्लेयर को टीम में जेलअप होने के लिए तो ये सिचुएशन इसी वजह से अराइज हुई है क्योंकि हमने पहले से प्लानिंग करके नहीं रखी थी वाज नॉट इन आर प्लान हमारे प्लान्स में थे जूरियन अभी दस दिन पहले फ्रेम में आए हैं और ये जो बैकअप एक प्लान होता है ना ये यूनाइटेड के पास कभी रेडी नहीं रहता और इसीलिए यूनाइटेड हमेशा स्ट्रगल भी करती है चाहे वो ट्रांसफर मार्केट में हो चाहे वो फुटबॉल पिच के ऊपर हो अब यहाँ पर आठ तारीख से कल से हमारा प्री सीजन टूर शुरू हो जाएगा और अब हमें देखना है कि क्रिश्चन एरिक्सन हमें कब ज्वाइन करेंगे क्योंकि लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग के लॉयर्स से भी बात चल रही है और उसके बाद जब सारा कुछ डील वील सब फाइनलाइज हो जाएगी बेसिकली तो उनको अनवेल कर दिया जाएगा एज द न्यू मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर यहां पर किट भी रिलीज नहीं हुई है तो वट आई एम होपिंग इज के वो अभी भी फ्रेंकी डियोंग और यू नो क्रिस्टन एरिक्सन एनलिस की डील के लिए वेट कर रहे हैं कि जब उनकी डील फाइनलाइज हो जाए तब वो जर्सी रिलीज करे क्योंकि हम सबको पता है भाई दो या चार तारीख को जर्सी रिलीज होनी थी और अभी तक जर्सी का नाम और निशान नहीं है हमारे आंखों के बट एट द सेम टाइम यूनाइटेड और ट्रांसफर्स ये उतना ही सुनने में अजीब लगता है मतलब बेसिकली सक्सेसफुल ट्रांसफर्स जितना आप रियाल नॉट एंटरिंग इन तो भाई पता नहीं है कब तक हो पाएंगी साइनिंग्स कब होंगी साइनिंग्स क्योंकि आंद्रेस परेरा वाला जो सीन है वो हमें दस मिलियन मिल रहे हैं नौ मिलियन मिल रहे हैं वहां से स्ट्रेट अप फ्रंट फी तो उसको यूज करके आपको कायदे में ये जो डील है फ्रेंकी डियो की एटलीस्ट क्लोज डाउन कर देनी चाहिए जल्द से जल्द बारसा बेचने के लिए बेताब है हम खरीदने के लिए बेताब हैं लेकिन बारसा झुकने को तैयार नहीं है क्योंकि जो एडॉन्स वाली बक्चौदी हम काट रहे हैं और जो एडॉन्स वाली बक्चौदी वो काट रहे हैं उस पर अभी भी डिसीजन नहीं ले पाए हैं दोनों क्लब्स मिलकर